हेलो, वेलकम इन एक स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th की। पिछली वीडियोस में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। इस वीडियो में शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेट करना है 2x² + e^x को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले आप इनको अलग अलग लिख लो। देखिए, यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा x² dx प्लस, इसके साथ आप अलग से इंटीग्रेशन लिख लो, प्लस में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e^x dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, 2 तो ऐसे ही रहेगा, x^2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर हमें इंटीग्रेट करना हो x^n को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आता है x^(n+1)/(n+1)+c। बस यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना होता है कि जो n है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और हमारा n क्या है, हमारा n 2 है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ तो आएगा x^(n+1) होता है, यहाँ पर x^n है या x^2 है, n की जगह क्या मिला आपको 2, यानी 2+1 3 हो जाएगा, ÷3, प्लस में कॉन्स्टेंट आता है, मैंने लिख दिया कॉन्स्टेंट को c1। ठीक है, फिर आपको इंटीग्रेट करना है e^(x dx) को, तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होगा e^(x dx) जो होता है वो e^(x+c) होता है। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ लगाया जाए तो e^(x) का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, e^(x+c), यहाँ पर c1 था तो इसके कांस्टेंट को बोल देते हैं c2। ठीक है, अब आप जो c1 + c2 है, c1 + c2, इसको पुट कर दो कैपिटल C। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x³ / 3 प्लस e^(x) को ऐसे ही लिखा, c1 + c2 की वैल्यू क्या पुट कर दी, c। ऐसा क्यों किया, देखिए c1 एक कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों को जोड़ के भी एक कांस्टेंट ही बनेगा, इसलिए हमने दो जगह ना लिख के एक जगह लिख दिया। आगे आने वाले सवालों में मैं c1 c2 c3 ऐसे अलग अलग नहीं लिखूंगा, एक बार में ही सिर्फ c लिख दूंगा। ठीक है, आप समझ जाना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है √x - 1/√x² dx। तो सबसे पहले आप इसमें a - b² का फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है, √x, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का काम कर रहा है 1/√x। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में क्या आता है, 2a और b, तो a की वैल्यू है √x, b की वैल्यू है 1/√x। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर है dx। अब इसके बाद देखिए, √x का स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया x, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, √x का स्क्वायर फिर से x, माइनस में इस अंडर रूट से नीचे वाला अंडर रूट कट गया तो यहाँ बचा 2, और बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर बचा हुआ है dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। देखिए, यहाँ पर फिर से अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में x^n वाला फॉर्मूला लगाया था, उस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो x^1 है तो क्या हो जाएगा, x^1+1 यानी 2 / 2। ठीक है, प्लस में 1/x, देखिए आप इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो होता है log mod x + c। ठीक है, तो 1/x का क्या हो गया, log mod x। मैं इनके कांस्टेंट पार्ट नहीं लिख रहा, एक बार में हम बाद में c लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस में क्या बचा है, 2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो क्या होता है, x + c। तो 2 क्या था, 2 कांस्टेंट था, इसको हमने कैसे इंटीग्रेट किया, ऐसे 2 कुछ नहीं बचा तो यहाँ dx बचा होगा, और dx का क्या हो गया, dx का हो गया x। ठीक है, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, x, 2 और x, और प्लस में इसका कांस्टेंट क्या है, c1, इसका c2, इसका c3, तीनों को जोड़ के एक साथ लिख दिया प्लस कैपिटल c। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।